दोस्त थे जो भी वो कहा करते थे लॉरियों को नाश्ते के शौक से रात को नींद नहीं आती तो सुबह नाश्ता करने टाइम से 6 बजे अंधेरे में चले जाते, तो मेरे और मेरे क्रू भी हम दोनों शायद लॉरी हो गए, हमें भी खुशी से नींद नहीं आई कि नाश्ता करना है। तो हम ये मुल्तान में रेवाड़ी मोहल्ला है, रेवाड़ी लोगों का मोहल्ला, इधर ये सारे नाश्ते पाए वाए हलवा पूरियाँ ते ये ते वो ते मिल रहे हैं, तो हम इधर आए नाश्ते की तलाश में। सुबह तकरीबन 6:30 बज रहे हैं। हलवा पूरी अंडा पराठे के अलावा ऐसे कोई लोकल नाश्ते नहीं किए, ये उनके चने, ये मक्खन, ये अचार, ये देसी चीनी, ये पराठा तंदूर का, और ये बेसन की रोटी, और ये चाटी की लस्सी। जब मक्खन बनाते हैं तो वो उसका बाय प्रोडक्ट है ये मक्खन वाला तंदूरी पराठा। ये लगाया इसमें मक्खन और ये चने। रनी चने लाहौरी स्टाइल के नहीं है, थोड़े रनी है। अब अचार लगा के ये मक्खन, ये चने, ये चाटी की लस्सी, बिल्कुल पानी जैसी होती है। जब आप आम दूध की दुकान पे जो लस्सी मिलती है गाढ़ी, ये वैसी नहीं होती है, बिल्कुल रनी होती है, थोड़ी सी सॉल्टी और लेकिन मज़े की। अब ये ज़रा बेसन की रोटी है, धनिया वनिया ये वो बेसन वेसन को भी इसे ट्राई करें। अब इसको इसका टेस्ट हमारा डेवलप नहीं है क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, हमने कभी खाई नहीं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थोड़ी सी सॉल्टी है, माइनर सी, लेकिन बहुत मजे की। अब ये जो चीनी है देसी पहले लगाएंगे, मक्खन और थोड़ी सी लगाएंगे इसमें चीनी। वाह वाह वाह, बहुत मजे। पहली दवा ये हमने, ये मेरा ख्याल है मैंने जिंदगी में पहली रवैये वाला नाश्ता किया। सारी चीजें वो हैं जो मैंने कभी नाश्ते में नहीं खाई, सिवाय देसी मक्खन के। त्रिवाड़ी मोहल्ला पाए लस्सी नियारियां सब कुछ मिल रहा है इधर भाई। Not coming slow. ये जो हमने मुल्तान का लोकल रेवाड़ी मोहल्ले का नाश्ता किया था, मक्खन, देसी मक्खन, अचार, चाटी की लस्सी, चने, तंदूरी पराठा, बेसन की रोटी, ये जो हमने खाना खाया, ये टेक्निकली कराची के 3 लोगों का पेट भर सकता है और एक लॉरी का आधा पेट भर सकता था ये खाना। और ये नाश्ता था 310 रुपये का, नॉट बैड। हम 3 लोगों ने पेट भर के खाया और उसमें भी थोड़ा बच गया। तो ये मुल्तान का लोकल नाश्ता था रेवाड़ी मोहल्ले का। अगर आप कभी इधर से गुजरें, आपको लगे ही खाना चाहिए तो खा लें, और बाकी सारे अच्छे काम आपको पता है, लाइक वाइक वाले, सब्सक्राइब वाले,
तो वो भी करते रहे, उसका कोई बिल नहीं आता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।